नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो आप ये पौधा देख रहे हो, इसे गंवारपाठा, एलोवेरा और घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। इस पौधे पे जो आप ये डंठल देख रहे हो, इन्हें गंवारपाठे की फली कहा जाता है। गंवारपाठे की तरह ये फलियाँ भी काफ़ी गुणकारी होती है, औषधीय महत्व की होती है। गंवारपाठे की कच्ची फलियाँ सब्जी बनाने के काम में आती है। ये देखिए, गंवारपाठे की कच्ची फलियाँ हैं जिनकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, जो कि सर्दियों में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये देखिए, गंवारपाठे की फली की सब्जी है। अगर ये फली की सब्जी बाजरे की रोटी, गुड़ और दही के साथ खाई जाए तो एक अलग ही आनंद प्रदान करती है। तो दोस्तों, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गंवारपाठे की फलियों को बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची को चाकू से बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची और गंवारपाठे की फलियों को पानी भरे हुए बर्तन में रख देते हैं, ताकि फलियों का लसलसापन ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ कुछ लहसुन की कलियां छील लेते हैं। लहसुन की कलियों को मिर्ची के साथ मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं और उसमें स्वाद के अनुसार हल्दी, धनिया पाउडर, नमक डाल लेते हैं, पानी में घोल लेते हैं। उसके बाद इसी मसाले वाले पानी में कुछ अदरक कद्दूकस की सहायता से कस लेते हैं। उसके बाद इनको एक बड़े चम्मच से ढंग से मिक्स कर लेते हैं, ताकि पूरा मसाला है वो पानी में ढंग से घुल जाए। इसके बाद दोस्तों, गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम करते हैं। फिर उसमें जीरा और राई डालते हैं छौंकने के लिए। जब जीरा और राई हल्के से भूरे कलर के होने लगे, तब गैस को कम कर देते हैं। दोस्तों, तेल गर्म होने पर इसमें मसाले को डाल देना चाहिए। मसाला डालते वक्त ध्यान रखें कि मसाला या तेल आंखों में ना गिरे, इसके लिए मसाले को धीरे धीरे डालें। उसके बाद गैस को लो फ्लेम पे कर दें, ताकि पूरा मसाला है वो पक जाए। मसाला पकने पर तेल छोड़ने लगेगा। ये देखिए, मसाला पककर तैयार हो गया है। मसाला पकने पर उसमें गंवारपाठे की फली और मिर्ची को डाल देना चाहिए। गंवारपाठे की फलियों को डालते वक्त ध्यान रखें कि जो मिर्ची के बीज है वो ना डालें, क्योंकि इससे ज़्यादा तीखा पर आएगा और कचरा भी आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद चम्मच की सहायता से इसको हिलाते रहें। इसके बाद दोस्तों, गैस को फुल फ्लेम पे करना है, लेकिन फुल फ्लेम पे करने के बाद इसको चम्मच की सहायता से हिलाते रहना चाहिए लगातार। इसको हिलाने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो मसाला है वो कढ़ाई के चिपकेगा नहीं। ये देखिए, सब्जी धीरे धीरे पकना शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों, सब्जी में थोड़ा पानी मिलाकर प्लेट की सहायता से इसको ढक देना चाहिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसको गैस पर पकाना चाहिए। उसके बाद प्लेट हटाकर चम्मच की सहायता से सब्जी को हिलाए और थोड़ा अमचूर पाउडर इसमें डाल देना चाहिए। अमचूर पाउडर डालने के बाद चम्मच की सहायता से इसको 1-2 मिनट हिलाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी गंवारपाठे की फली की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, सब्जी तैयार होने के बाद बाजरे की गरम गरम रोटियां सेकी जाती है। बाजरे की रोटियों को अच्छा खासा घी लगाकर चौपड़ लेना चाहिए। इन्हीं रोटियों पर गंवारपाठे की फली सब्जी डालकर सर्व करना चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा गुड़ और दही भी रहेगा तो सर्दियों में खाने का मज़ा कुछ अलग आएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you, friends.